रामनवमी के पावन अवसर पर जब पूरा देश भगवान राम की भक्ति में डूबा होता है, छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में एक अनोखा समुदाय अपनी अद्वितीय परंपरा के साथ यह दिवस मनाता है। यहाँ की परंपरा संप्रदाय के लोगों का जीवन और भक्ति राम के नाम के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। रामनामी संप्रदाय के अनुयायी अपने शरीर को राम नाम से सजाकर एक चलते फिरते मंदिर की तरह बना लेते हैं। इनके पूरे शरीर पर राम राम के गुदने होते हैं, जो उनके अटूट विश्वास और भक्ति का प्रतीक है। यह परंपरा उस समय शुरू हुई जब उनके पूर्वजों को सामाजिक भेदभाव के कारण मंदिरों में प्रवेश से रोक दिया गया था। उन्होंने अपने शरीर को ही मंदिर बना लिया और तब से यह संप्रदाय निरंतर इस अद्वितीय भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं। राम राम का नाम लिखा हुआ है, ये तो करीब 150 से 200 साल पहले से हमारी ये परंपरा चली आ रही है। अभी वर्तमान में हमने 30 साल पहले इधर का लिखाया था, अब अभी इसी साल ये लिखाए हैं। और जैसे ये माता जी हैं, ये लोग पहले से लिखाए हैं। ये राम नाम का स्मरण है, ये राम नाम एक विचारधारा है। रामनामी कहने से पता चलता है कि शुद्ध सात्विकी, शुद्ध शाकाहार, मन से वचन से कर्म से हम किसी को पीड़ा ना पहुँचाएँ, भोजन में शाकाहार लें और किसी प्रकार का मादक द्रव्य का सेवन ना करें, तभी आप ये राम का नाम फलदायी हो सकता है। राम का नाम स्मरण करने के लिए, सामने वालों की स्मरण कराने के लिए, बड़े भागी वा जीव जय कलयुग में राम राम नाम, सुमिरय सुमिरावय सुख सकल कृतार्थ धाम। मैंने पहले भी बताया, जैसे आपको राम का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन हमें देखकर आपको राम नाम याद आ जाएगा, ये पहली फायदा। दूसरी फायदा मान लिया, आप अन्य धर्मों से हैं तो हमें देखकर आपके हृदय को राम का नाम जपना पड़ेगा, आप भी मोक्ष हो जाएगा, ये फायदा है। रामनामी समुदाय के लोग सफेद चादर पहनते हैं, जिस पर राम नाम लिखा होता है, और सिर पर मोर पंख की पगड़ी धारण करते हैं। उनके पैरों में घुंघरू बंधे होते हैं और वे भजन गाते समय इन्हें बजाते हैं, जिससे उनका हर कदम भक्ति में लीन होता है। बहुत दिन हो गए, पूरा चेहरा में लिखा है, 40 साल हो गए, अब 40 साल उभर हो थे, और मैं बचपन से भी लिखाए थे, लिखाए रहे, लेकिन ये चेहरा में पूरा 40 साल उभर हो गए लिखाए हैं मैं। अब भजन करने के लिए लिखाए हैं, भजन करता, भजन गाता, खेती बाड़ी भी करता, और मोर परंपरा चलत चलत आत है। अब यह 200 साल हो गए भजन गात गात आत होते हैं। मोर दादा मन गाए हैं, मोर पिताजी मन गाए हैं, पूरा सब गाए हैं। मोरे सेवा है कि मोर कहना के मैं चांदी से उनके गहना पहरे रहें, ता वो हर तो संग में जाए नहीं, लेकिन ये गहना है तेला कोई लूटाए नहीं, ना कोई हेराए नहीं, एकरे कारण मैं एला लिखाए हैं, ये गहना है मोर संग में जाही। कुछ साहस नहीं हो कि मैं पीरा के पता नहीं पाया, मैं राम राम लिखाए ता कैसे वो लिखने वाला लिखी तो मैं कैसे लिखाए ओकर मोला पता नहीं है, शुद्ध बुद्ध नहीं रही, मैं पीरा के नहीं गम पाए। भक्ति में विभोर होकर मैं पढ़े नहीं आ, लेकिन भक्ति कर ले था, मैं भक्ति कर ले था, और दोहा चौपाई भी कर ले था, भजन गा था, मैं एक झर यहाँ तब मंगन होके गाथो वाला, आओ मैं सुन सुन के मोरा पूरा याद है कि दोहा चौपाई के सब के बस भगवान राम के भक्ति है। हाँ, राम राम के भक्ति है, राम राम के देने, राम राम देते, आओ ते वो हर भक्ति करते, वो हर सुरती देते राम राम। इनके घरों की दीवारों में भी राम नाम से सजी होती है और वे एक दूसरे को राम राम कहकर अभिवादन करते हैं। इस समुदाय के जीवन में राम नाम की यह गहराई उनकी अद्वितीय संस्कृति और धार्मिक पहचान को दर्शाती है, जो न केवल उनकी आस्था का प्रतिबिंब है, बल्कि उनके समुदाय की एकता और त्याग का भी परिचय है। रामनवमी के दिन यह समुदाय अपनी इस अद्वितीय भक्ति के साथ भगवान राम की आराधना करते हैं, जो उनकी आत्मा को और भी गहराई से राम में लीन कर देती है। लोकल 18 जांजगीर चांपा से लखेश्वर यादव की रिपोर्ट।